नमस्कार, स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हमने इसके पहले के लेक्चर में नीति आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा कि नीति आयोग कैसी संस्था है, नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है और नीति आयोग की क्या पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही और वर्तमान में क्या स्थिति है। हमने उसमें डिटेल वीडियो में सब कुछ चर्चा करी नीति आयोग के बारे में। अब हम जब उसको पढ़ चुके हैं विस्तार से, तो अब हम उसको परखें कैसे, जांचें कैसे कि हमने उसको जो पढ़ा वो हमको चीजें कैसी याद हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका डायमेंशन, उसका आयाम कैसे है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, उसको चेक करने का, उसको जांचने का सिंपल सा और आसान सा तरीका क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। आज मैंने आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और संभावित है एग्जाम के लिए, तो आज हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे नीति आयोग। नीति आयोग के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम चर्चा करना शुरू करते हैं नीति आयोग के महत्वपूर्ण और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, नीति आयोग का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या है, अपन क्वेश्चन पढ़ते आई क्वेश्चन देखते। प्रश्न नंबर एक, नीति आयोग कैसा निकाय है? जब हमने चर्चा करी थी, जब हमने डिटेल वीडियो में पढ़ा था, तो हमने समझा था कि नीति आयोग कैसा निकाय है। नीति आयोग ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी संविधानेतर निकाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संविधानेतर निकाय, क्योंकि हमने जब चर्चा करी थी उस समय मैंने बताया था कि इसका संविधान के किसी विशेष भाग या किसी विशेष आर्टिकल में वर्णन नहीं है, ना ही ये संसद के किसी अधिनियम द्वारा लाया गया है। ये संविधानेतर निकाय है, ये एक प्रकार का वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ संवैधानिकतर निकाय है, ना ही ये संवैधानिक है, ना ही ये वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिकतर निकाय है और वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि नीति आयोग के बारे में असत्य कथन बताइए, इनमें से वह कौन सा कथन है जो नीति आयोग के बारे में असत्य है, बाकी तीन सही होंगे, इनमें एक गलत होगा, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। कथन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उनमें पूछे गए हैं, आप यहाँ कथन पढ़ें और उसके बाद उत्तर दें। कथन ए कहता है, ऑप्शन ए, कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये बिल्कुल सही बात। ऑप्शन बी में कहता है कि राष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये बात ठीक नहीं है, राष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अपन नीचे की भी कथन देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर बताएंगे, तय करेंगे। ऑप्शन सी में कहता है वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसमें गलत कथन के बारे में पूछ रहा है और गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? नीति आयोग किन सिद्धांतों पर आधारित है? हमने इसके समस्त सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रवाद और सहकारिता, बिल्कुल। बी में सहकारी संघवाद, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ऑप्शन सी में कहता है दोनों, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों सिद्धांतों पर काम करता है कौन? नीति आयोग, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो नीति आयोग नहीं करता? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, ऑप्शन बी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना,
ऑप्शन सी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति देना और ऑप्शन डी ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना। साथियों इनमें से ये सभी काम करता है कौन? नीति आयोग। ऑप्शन सी जो कहता है राज्य की पंचवर्षीय योजनाएं की अंतिम स्वीकृति देने का काम नीति आयोग का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि वहां कह रहा है कि ये कौन सा कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग के फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद बताएंगे। ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्निकल इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसपेरेंसी इंडिया और ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो साथियों इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से सूचकांक इंडेक्स नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? जब हमने पढ़ा है लेक्चर में, जब हमने क्लास में ये पढ़ा है तो हमने चर्चा करी थी, बहुत सारे सूचकांक के बारे में मैंने आपको बताया था और ये कहा था कि ये सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, और बी में कहता है SDG इंडिया इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब उपरोक्त में सही कूट का चयन करें आप। कहता है ऑप्शन ए कि केवल 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी कहता है कि केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी कहता है केवल 3, 4 सही है और ऑप्शन डी कहता है सभी सही हैं। तो साथियों ये जितने भी इंडेक्स, जितने भी सूचकांक दिए हैं ये सभी नीति आयोग जारी करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन नीति आयोग को किसके स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं योजना आयोग, बी में विधि आयोग, सी में लाडस आयोग और डी में कर्मचारी चयन आयोग। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, ये एक साधारण सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि नीति आयोग का जो स्थापना हुई है वो योजना आयोग की जगह पर हुई है, और नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें, गठन की बात करें, तो कब हुई? 1 जनवरी 2015। और योजना आयोग का भंग करके किसका? नीति आयोग का गठन किया गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग का कार्य है, इनमें से कौन सा कार्य नीति आयोग का है? वित्तीय आवंटन, बी में कहता है सरकार के फैसले में हस्तक्षेप, सी में कहता है विपक्ष की भूमिका निभाना और डी में कहता है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। साथियों जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का काम नीति आयोग का है। नीति आयोग इसी काम के लिए तो गठित किया गया है, ये एक सलाहकारी निकाय है, आप जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर नौ योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950, 15 मार्च 1951 और डी में कहता है 15 अप्रैल 1951। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित हुई, फिर अगस्त 2014 में इसे भंग करके क्या नीति आयोग का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 10 नीति आयोग का वर्तमान पदेन सदस्य इनमें से कौन है? आइए ऑप्शन देखें। राजनाथ सिंह जी बिल्कुल है, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्री हैं,
तो इनमें से सभी हैं, तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा इसका। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ उपा इसको कर लीजिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बी कैबिनेट मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको आप जानते हैं और हमने ये पढ़ा है, उस समय चर्चा भी की थी कि प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अब प्रश्न नंबर 13, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आप जानते हैं, ऑप्शन में आप देखें और बताएं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। जो इसके अध्यक्ष की बात है, आप जानते हैं कि इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और अगर आप इनके गठन के बारे में आपको याद है कि जनवरी 2015 में इनका गठन हुआ, किसका, नीति आयोग का, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और यही इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर चौदह, नीति आयोग में वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में है आपके ए के झा, ऑप्शन बी में है बी के पाल, और सी में है प्रोफेसर रमेश चंद और डी में है बी के सारस्वत। इनमें कौन शामिल नहीं है, तो बी के एस के झा साहब इसमें शामिल नहीं है। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15, कि नीति आयोग के गठन में कौन शामिल नहीं है। नीति आयोग का जब गठन होता है उसमें ऐसा कौन सा इसमें व्यक्ति है जो शामिल नहीं होता, नीति आयोग के गठन में शामिल नहीं है, नहीं को लेकर आप देखें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी शासी एवं क्षेत्रीय परिषदें और डी विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीति आयोग भारत सरकार के एक कार्यकालीय संकल्प द्वारा सृजित किया गया, ये बिल्कुल ठीक बात। कथन दो कहता है यह एक गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो जब अब दोनों सही है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि इन दोनों सही की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों कथन सही की पुष्टि कर रहे हैं। अब देखें अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है संसद, बी में कहता है गृह मंत्रालय, और सी में कहता है प्रधानमंत्री और डी में कहता है राष्ट्रपति। तो ये अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ही विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, उनका नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया, वो व्यक्ति कौन थे, आशुतोष मिश्रा, एवी माथुर, डीडी वसु और डी ऑप्शन में है भालचंद गोस्वामी। तो जो ऑप्शन बी में है एवी माथुर जी, इन्होंने ही सिफारिश करी थी, इन्होंने ही प्रस्ताव दिया था किसका, विलय का। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखें, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, इनमें से ऐसे कौन से निकाय हैं जिनका संवैधानिक उल्लेख नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, एनडीसी का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका गठन 1952 में हुआ आप जानते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग का भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदें, इनका भी वर्णन संविधान में नहीं है, अर्थात ये तीनों गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए आइए चर्चा करें और कथन देखें और फिर बताएं। तो क्या कहता है कि इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। ऑप्शन बी कहता है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सी कहता है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। और डी, यह सहकारी संघवाद के संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो गलत जवाब है, जो इसमें गलत कथन है और जो अपने को वही चुनना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, पदेन अध्यक्ष होता है, और वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष जैसी कोई बात इसमें नहीं है, और आपसे इसमें सही नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। आइए कथन पढ़ें। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। भारत में नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखकर काम करता है। नीति आयोग के सचिव का दर्जा कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। ये बात सही नहीं है, भारत सचिव के स्तर का होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही है और आपसे असत्य पूछा जा रहा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का एक कार्य नहीं है, इनमें से ऐसे काम है 3 जो नीति आयोग करता है, इनमें से एक कार्य है जो नीति आयोग नहीं करता, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की एक रणनीति विकसित करना। और नंबर 4 ऑप्शन डी, ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली। साथियों बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने का काम नीति आयोग का नहीं है, ये एक सलाहकारी संस्था है। और ये तीनों कथन चाहे ए हो, चाहे सी हो, चाहे डी, ये सही है। ऑप्शन में कार्य नहीं है पूछ रहा है कि वो कौन सा कार्य है जो नहीं करता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय इनमें से किस एक स्थान पर अवस्थित है, कहाँ है नीति आयोग का प्रधान कार्यालय, उसके बारे में पूछ रहा है। आप जानते हैं सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ रखा गया। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है देहरादून, और सी में है गुरुग्राम, और डी में है भोपाल। इसका जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, आज हमने देखा नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। हमने समझा उसके पहले कि नीति आयोग के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे, हमने देखे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस प्रकार की तैयारी अपनी सुनिश्चित करें। साथियों, आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, और हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग के बारे में। आप हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।